पार्कर सोलर प्रोब नासा के द्वारा बनाया गया एक ऐसा मिशन जिसे खास हमारे सौर मंडल के एकमात्र तारे सूरज की पढ़ाई के लिए बनाया गया, जिसका मकसद उसके बाहरी वातावरण और उसके ऊपरी लेयर कोरोना और उसमें से निकल रही सोलर विंड्स की पढ़ाई करना था। क्योंकि जैसा हमने अपने पिछली वीडियो में सूरज के तीनों लेयर्स के बारे में जाना था कि कोरोना का टेम्परेचर सूरज के सरफेस टेम्परेचर से कई लाखों गुना ज्यादा है, जिसका वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं है। सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स का भी कारण ये कोरोना ही है। इसका अभी भी फिलहाल वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब नहीं है कि सूरज के कोरोना से सोलर विंड्स कैसे लगातार जनरेट हो पा रही हैं। और इन्हीं की पढ़ाई के लिए 12 अगस्त 2018 को नासा ने लॉन्च किया पार्कर सोलर प्रोब, जिसे अगले 7 सालों तक सूरज के वातावरण और ऊपरी कोरोना की पढ़ाई करना था, जिसमें वह सूरज को करीब 24 बार ऑर्बिट करेगा और अपने हर ऑर्बिट साइकिल पर वह सूरज के और नजदीक जाता जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब अपने आखिरी ऑर्बिट साइकिल में सूरज के कोरोना के अंदर से होता हुआ गुजरेगा, जहां वह सामना करेगा सूरज की 1400 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को। अपने लॉन्च के एक साल के अंदर पार्कर सोलर प्रोब ने हमें सूरज से जुड़ी कई अहम राजों से पर्दा उठाया, जिसे नासा ने 4 दिसंबर 2019 में अपने नेचर जर्नल में दर्शाया था, जिसमें पार्कर सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड गए उन सभी इवेंट्स और डिस्कवरीज को इन जर्नल में ऐड किया गया है, जो सूरज के कोरोना से होने वाले फ्यूचर इवेंट्स के बारे में हमें पहले से जानने में काफी मदद करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पार्कर सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड किए गए उन सभी इवेंट्स और सूरज से जुड़ी की गई उन खोजों के बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में चारों तरफ कॉस्मिक डस्ट मौजूद है, जिसे हम सूरज की लाइट के रिफ्लेक्शन के जरिए आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये कॉस्मिक डस्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी पृथ्वी के वातावरण में अपनी डस्ट मौजूद होती है, वैसे ही सौर मंडल और ब्रह्मांड के चारों तरफ ये कॉस्मिक डस्ट फैली हुई है। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब ने अपने पहले पेरिहेलियन यानी फ्लाईबाई के दौरान यह ऑब्जर्व किया कि सूरज से 5.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक डस्ट फ्री जोन है, यानी सूरज से 5.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर ये कॉस्मिक डस्ट पतली होनी शुरू हो जाती है। ये इमेज में आपको डस्ट फ्री जोन आसानी से नजर आ रहा होगा, जिसे पार्कर सोलर प्रोब में लगे विस्पर यानी वाइड फील्ड इमेजर फॉर सोलर प्रोब से मिले डेटा की मदद से ये इमेज को तैयार किया गया। इस दायरे के अंदर सूरज की तेज गर्मी और सोलर रेडिएशन इन कॉस्मिक डस्ट को जलाकर भस्म कर देती है, जिससे सूरज के चारों ओर एक खाली एरिया बन जाता है और इसी खाली स्पेस को नासा ने डस्ट फ्री जोन बताया है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने जब सूरज से अपना पहला फ्लाईबाय पूरा किया तो पार्कर ने सूरज की मैग्नेटिक फील्ड के बदलते बिहेवियर को ऑब्जर्व करके यह इन्फॉर्मेशन नासा को भेजी, जिससे नासा के वैज्ञानिकों को यह पता लगा कि जो बिहेवियर सूरज से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड हम पृथ्वी से हमेशा से पढ़ते और ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, वह वैसी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पहले की स्टडी में ये माना जाता था कि सूरज के कोरोना में बनने वाली सोलर विंड्स एक सीधी दिशा में जाती है, जो सौर मंडल के चारों दिशाओं में एक सीधी वेव फॉर्म में जाती है। लेकिन पार्कर से मिली नई स्टडी में यह कंफर्म हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर मर्क्यूरी प्लैनेट के ऑर्बिट से पहले काफी बदलता है, जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड सूरज के कोरोना से निकलने के कुछ सेकंड बाद ही एक रिपल जैसा वेव बना लेती है। मतलब किसी वायर को एक साइड से पकड़कर झटकने से जो वेव फॉर्म बनती है, वैसे ही सेम मैग्नेटिक फील्ड अपने शुरुआती वेलोसिटी के दौरान लेती है। इसी मैग्नेटिक फील्ड वेव को स्विचबैक का नाम दिया गया है। दोस्तों, इन वेव्स के बनने का कारण सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स ही हैं, क्योंकि जब कोरोना में बनने वाली प्लाज्मा ट्रिगर होती है तो उसमें से निकलने वाली सोलर विंड्स इन मैग्नेटिक फील्ड पर टर्बुलेंस का फोर्स लगाती है, जिससे यह फोर्स सोलर विंड्स को और भी तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती है। दोस्तों, सूरज से बनने वाली सोलर विंड्स ने हमेशा से ही वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है, इसलिए वैज्ञानिक काफी दशकों से सूरज के सोलर विंड्स के नेचर को जानने की हर मुमकिन कोशिश करते आ रहे हैं कि क्या सोलर विंड सूरज के एक कंटिन्यूस फ्लो के फॉर्म में बहती रहती है या टुकड़ों के गैप में। इसका जवाब भी हमें पार्कर सोलर प्रोब के जरिए मिल गया है, जिसमें हमें यह पता लगा है कि कोरोना में बनने वाली सोलर विंड्स का फ्लो कंटिन्यूस नहीं है, जिसका कारण है कोरोना में बनने वाली प्लाज्मा, जो विस्फोट के दौरान सोलर चार्ज पार्टिकल को रिलीज करता है, जिसमें काफी मात्रा में ये सोलर चार्ज आयन पार्टिकल स्पेस में चले जाते हैं, तो वहीं कुछ बचे हुए पार्टिकल सूरज के कोरोना में ही गिर जाते हैं, जिससे सूरज की मैग्नेटिक फील्ड में ये टर्बुलेंस वेव बननी शुरू हो जाती है और इन्हीं टर्बुलेंस वेव के कारण स्विचबैक का निर्माण होता है।
दोस्तों पार्कर सोलर प्रोब ने सोलर विंड्स की स्टडी के दौरान सोलर ट्रांजिशन पॉइंट की भी खोज की है, जिसमें स्विचबैक के बाद सोलर विंड्स एक पॉइंट के बाद सीधी दिशा में फ्लो करती हैं। इस ट्रांजिशन पॉइंट से पहले सोलर विंड्स का फ्लो काफी टर्बुलेंट होता है, लेकिन ट्रांजिशन पॉइंट को क्रॉस करने के बाद वह एक सीधी दिशा में बहने लगते हैं। इस ट्रांजिशन पॉइंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल वीडियो से ही ले सकते हैं, जो एक शॉट से दूसरे शॉट के बीच में ट्रांजिशन लेते हैं, जैसे ये। दोस्तों वैज्ञानिकों को अभी तक पार्कर से यही पता लगा है कि ये ट्रांजिशन पॉइंट की शुरुआत उस पॉइंट से होती है जहां कोरोना का टेम्परेचर फेंट होना शुरू हो जाता है। दोस्तों जब पार्कर सोलर प्रोब अपने दूसरे फ्लाईबाय के दौरान सूरज की ओर बढ़ रहा था, तो पार्कर ने सूरज के कोरोना के ऊपरी साइड कई छोटे छोटे विस्फोट्स को ऑब्जर्व किया, जिसमें कई छोटे छोटे सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल विस्फोट को पार्कर ने करीबी से रिकॉर्ड किया। इन सोलर इरप्शंस को पृथ्वी से पहले भी ऑब्जर्व किया जा चुका है, लेकिन बड़े स्केल पर। ये छोटे विस्फोट्स पार्कर के ऑब्जर्वेशन से पहले हमारी नज़र में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि इन सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल के विस्फोट से निकलने वाली सोलर पार्टिकल इतनी तेजी से फैलती हैं जिन्हें पृथ्वी से डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कई बार इस इवेंट से निकलने वाली सोलर पार्टिकल इतनी तेजी से फैल जाती हैं जो सीधा हमारे सैटेलाइट्स और ISS में काम कर रहे सभी एस्ट्रोनॉट्स को काफी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम इन सोलर विंड्स के नेचर और इनके बनने का कारण को पूरी तरह समझ जाए तो हम अपने सभी सैटेलाइट्स और फ्यूचर में होने वाले सभी मिशन से जुड़े एस्ट्रोनॉट्स को हार्मफुल सोलर विंड से बचा सकेंगे। नासा को पार्कर सोलर प्रोब से काफी उम्मीदें हैं कि आने वाले सालों में जब पार्कर सूरज के कोरोना में एंटर करेगा तो हमें सोलर विंड्स और कोरोना के बढ़ते टेम्परेचर के नेचर के बारे में और करीबी से जानने का मौका मिलेगा। फिलहाल पार्कर ने अपने 2.5 साल के सफर में अभी तक 8 पैराहीलियन यानी सूरज को 8 बार फ्लाईबैक कर चुका है। पार्कर ने अपना आखिरी पैराहीलियन 3 दिन पहले 29 अप्रैल को ही कंप्लीट किया है और 2025 तक अभी 16 बार और पार्कर सूरज के करीब जाएगा, जहां वह सूरज से जुड़ी और नई खोजें करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।